मेरा नाम असमा शहनाज है, मैं आम आदमी पार्टी से यखुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एमएलए के लिए खड़े रही हूँ। मैं कंटेस्टेंट हूँ और मैं आपका सपोर्ट चाहती हूँ क्योंकि मैं एक इनकलाब लाना चाहती हूँ इस यखुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, नहीं पूरे इस हैदराबाद शहर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान सारी दुनिया में मैं इनकलाब लाना चाहती हूँ इस जरिए से कि मैं मोहल्ला कमेटी बनाना चाहती हूँ जहाँ पर आवाम को मैं उनकी हिस्सेदारी देना चाहती हूँ, जहाँ पर बजट आवाम के हाथों में आएगा, पॉलिसीज वो बनाएंगे, डिसीजन मेकिंग उनका होगा। अगर इस तरह के अख्तियार अगर आवाम को दिए जाएंगे, हिस्सेदारी करने की जो एक हिस्सा होता है अगर आवाम को दिया जाएगा हुकूमत करने के लिए, अगर उनको हिस्सेदार बनाया जाएगा तो हमारा हिंदुस्तान, ये पूरे यखुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा पूरा हिंदुस्तान इसमें तरक्की कर सकते हैं अगर हम इस तरीके से अगर चले तो इस ईमानदारी के साथ में ये मौका ये इन्हें आवाम को मैं देना चाहती हूँ, ऐसी सहूलतें उन्हें देना चाहती हूँ मैं। तो मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आवाम से मैं ये चाहती हूँ कि वे अपनी सोच बदले और अपना लीडर बदले और अपने लीडर को बदलते हुए वो सही फैसला करें, क्योंकि अगर आप हमको चुनेंगे तो हम ईमानदारी के साथ आपके साथ रहेंगे, आपके बीच में रहेंगे, हम आम आदमी की तरह रहेंगे, आपके साथ मिल बैठ कर काम करेंगे इंशाल्लाह। आवाम की भलाई करो बल्कि एरिया डेवलप करो बल्कि देते, लेकिन आज तक 50 सालों से आप जो भी उम्मीदवारों को दे रहे हो वो लोग आपको आपका हक नहीं दिए। अगर हम आ गए तो आपको आपका हक देंगे, आपके पास मोहल्ला कमेटी बनेगी जिसमें आप लोग सदस्य रहेंगे, आप लोग मेंबर रहेंगे, सीधा बजट अब आपके हाथ में आ गया, आप कह रही हेलो आम आदमी पार्टी से खड़े रूम में खट्टा मारे रे जी, मैं आम आदमी पार्टी से, मेरा नाम असमा शहनाज है, ये मेरा एजेंडा है, सीधा बजट आपके हाथ में आएगा, पैसा तरक्की अब आप लोग करेंगे इंशाल्लाह। जो आज तक हमारे हिंदुस्तान में कहीं आपके हाथ में नहीं आया, आप जैसा उम्मीदवार चुने, आप बेईमान को चुने तो आपको 1 रुपया हाथ में देने गए।